कैप्टन साहब एक सवाल और है, जब आपकी बहुत सारे प्रदेश कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जब बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो आप लोगों ने सवाल उठाया कि कुछ एक हिस्सा जो शेयर है जीएसटी का शेयर, वो इस समय राज्यों को मिलना चाहिए, खासतौर पर पंजाब को भी, क्योंकि ये हालात इमरजेंसी के हैं, आपको निपटने के लिए तमाम पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, कोविड-19 जो कोरोना जिसको हम कह रहे हैं, और ऐसे हालात में आपको लगता है कि केंद्र से और मदद की जरूरत है पंजाब को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे टैक्स होते थे ना, वो सब जीएसटी में चले गए। हमारे पास तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी रह गई और थोड़ा सा जो कुछ और छोटा सा काम होता है। तो एक्साइज ड्यूटी तो अब मिलेगी नहीं, क्योंकि दुकानें सब बंद हैं। कौन आज, जब कोई बाहर नहीं जा रहा, कुछ नहीं, कोई तो एक्साइज का काम खत्म, फैक्ट्रीज बंद, हमारे पास सिर्फ रहेगी जीएसटी। अब जीएसटी हमारा तकरीबन 5,000 करोड़ अभी पेंडिंग पर है सेंटर के साथ, और वो सेंटर के ये पिछले 3 महीने से किस्तें नहीं आई, कुछ थोड़ी सी आई थी तो कुछ नहीं आई, पर अभी तक तो 5,000 करोड़ पड़ा। अगर वो भी ना मिले हमें, और वो तो पहली हमारी ड्यू है जो आनी चाहिए, उसके अलावा ये तो अमाउंट बहुत थोड़ी है। अगर ऐसी लड़ाई हमने लड़नी है पूरे देश में, तो ये 15,000 करोड़ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है फॉर कोविड इज नथिंग। ये तो 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से कम एक काम नहीं चलेगा। बहुत हमारे प्रांत हैं जिसमें ये प्रॉब्लम है, साउथ केरला से लेके राइट अप टू कश्मीर, लद्दाख तक के जा रही है बीमारी, बंगाल से लेके यहाँ गुजरात तक और पंजाब तक आ गई है, तो सारा हिंदुस्तान कवर हुआ है। तो ये अमाउंट समेत बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, जिससे हम अपने स्टेट्स को चला सकें और इस लड़ाई की हम उसका सामना कर सकें। अभी हमने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल की इक्विपमेंट चाहिए हमें, मशीन्स चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, अभी टोटल मास्क, बॉडी मास्क अपने डॉक्टर्स नर्सेज के लिए चाहिए, हर किस्म की चीज़। और ये हिंदुस्तान है जिसमें आप जानते हो 104 एक कितना 1.4 बिलियन लोग हैं इसमें, और हमारा पंजाब भी, हम छोटा सा पंजाब है, लेकिन मेरे भी 2.8 करोड़ लोग हैं यहाँ जो रहते, और मैं जब तक, अभी मेरे टेस्ट कितने हो रहे हैं, मेरे टेस्ट 800 टेस्ट कर रहे हैं हम, 800 टेस्ट इतनी आबादी में क्या है, और कोई टेस्ट हो रहे हैं झारखंड में या छत्तीसगढ़ में या बिहार में या ट्राइबल एरियाज में, उड़ीसा में, ये सारी एरियाज में ये टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब हर स्टेट को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, एंड वी नीड इट हेयर ऑल्सो, कि हम अपने टेस्टिंग भी बढ़ाएं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट भी पूरा करें, और जो डेली छोटे छोटे पैमाने का टेस्ट है, जो जैसे डायबिटीज़ में करते हैं, खून डेली थोड़ा सा निकाल के टेस्ट हो सकता है, वो अगर छोटी मॉनिटरिंग मशीनें दे सकते हैं, और कल इजाजत कर दी गवर्नमेंट ने, कल शाम को उन्होंने इजाजत दे दी, लेकिन खरीदनी तो हमें पड़ेंगी ना, बाहर से मंगानी पड़ेंगी, जहाँ से मंगानी पड़ेंगी, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। सो ये 15,000 करोड़ कुछ भी नहीं है, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से कम हिंदुस्तान नहीं चलेगा जब अपनी स्टेट्स नहीं चलेंगी।